नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका आज चक्रव्यूह में। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति देश की राजनीति की दिशा तय करती है, और अगर ये राजनीति उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संदर्भ में हो तो सबकी नजरें यूपी की राजनीति पर टिकना स्वाभाविक है। आजकल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पटल पर कुछ ऐसी हलचल देखने को मिल रही है। जी हाँ, शिवपाल यादव ये कहते हैं कि अगर समाजवादी और अखिलेश मेरे साथ मिलकर काम किए होते तो आज समाजवादी पार्टी देश में नंबर वन की पार्टी होती या नंबर दो पर होती और भारतीय जनता पार्टी यहाँ कहीं भी नहीं होती। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी लगातार लेन देन की राजनीति कर रही हैं, लेन देन की सियासत कर रही हैं। कभी कहती हैं कि महिलाओं को 40% टिकट में आरक्षण देंगी, तो कभी कहती हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर इंटर पास छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जो छात्राएं ग्रेजुएट होंगी उन्हें इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। इसके अलावा शिवपाल यादव परिवर्तन यात्रा लगातार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है, हर मौके पर सरकार को घेरती हुई नजर आती है। तो दूसरी तरफ अगर सुभाषपा की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर कल अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं और ये अब संभव है कि दोनों के बीच गठबंधन हो चुका है, यानी कि सपा सुभाषपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। इस दौरान उनके तमाम बयान ऐसे सामने आए हैं जो पूरी तरह से वायरल हुए हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है इस बार सत्ता में आने की। प्रियंका गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ना स्वाभाविक है, हालांकि यूपी प्रभारी वो बनाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि कांग्रेस की तरफ से सीएम चेहरा कौन होगा। लेकिन ये स्वाभाविक जरूर है कि प्रियंका गांधी एक मजबूत नेत्री के तौर पर मैदान में उतर पड़ी हैं, जैसा कि उनके भाई राहुल गांधी कहते हैं ट्वीट करके कि ये तो अभी शुरुआत है यूपी, आगे तो बहुत कुछ होना है। महिलाओं का सम्मान लगातार कांग्रेस में होता रहा है और आगे भी होता रहेगा, नारी सशक्तिकरण बेहद जरूरी है, ये तमाम बातें निकलकर यूपी की राजनीति में सामने आ रही हैं। और यूपी की राजनीति में फिलहाल किस तरह की हलचल है, किस तरह के दाव पेच खेले जा रहे हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फिलहाल आपको ये जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति, लेन देन की राजनीति, मुफ्त की राजनीति ये अपने चरम पर है। अखिलेश यादव कहते हैं कि वो बिजली मुफ्त देंगे 300 यूनिट से ज्यादा। आम आदमी पार्टी का तो आप सभी को पता है दिल्ली में किस तरह से मुफ्त बिजली दे रखी है। उत्तराखंड में भी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी यही राग अलापते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ योगी सरकार कहती है कि हम विकास की राजनीति करते हैं, हमारा परिवार 24 करोड़ का है। समाजवादी पार्टी की तरह सिर्फ परिवार परिवार नहीं है, 24 करोड़ की जनता हमारा परिवार है, हम विकास की राजनीति करते हैं, हमने क्या क्या विकास किया है सबके सामने इन 4.5 सालों में, योगी सरकार ये कहती है। सुभाषपा कहती है कि अगर बीजेपी हमारी बात मानेंगे, हमारी मांगे मानती है तो हम बीजेपी के साथ चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो सपा के साथ निकल लिए। कोई ना कोई तो चाहिए यूपी की राजनीति में आगे आने के लिए, खुद को चमकाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, वोट चाहिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये हो रखा है फिलहाल उत्तर प्रदेश में। समय बेहद कम, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उम्मीद है कि मार्च की शुरुआत में चुनाव हो सकते हैं, इसी जानकारी मिल रही है। सूत्र बताते हैं कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव 2012 में साइकिल और लैपटॉप बांटते हुए नजर आते हैं, तो अब कांग्रेस भी उसी तर्ज पर नजर आ रही है। लेकिन ये लेन देन की जो राजनीति है इसमें कितना फायदा होगा ये देखना होगा, क्योंकि लुभावने वादे तो हर कोई करता है, विकास की राजनीति जो करता है जनता उसके साथ है, और इस चीज का घमंड जो है वो बीजेपी में भरपूर नजर आता है। बीजेपी कहती है कि हमने खूब विकास किया है इसलिए हमारा जीतना तय है, 403 विधानसभा सीटें और 400 सीटें हम जीत कर रहेंगे। अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी को पूरी तरह से जनता नकारती है, हम ही आगे आएंगे और हम ही जीतेंगे, क्योंकि अपराध को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरता है। अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसे मामले आए हैं जो एक बार फिर से सरकार पर
हमला बोलते हैं, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो ललितपुर हो, चाहे वो आगरा हो, ये तमाम ऐसी जगह हैं, तमाम ऐसे मामले हैं, चाहे वो बीकरू कांड हो जो सबसे बड़ा कांड था 2020 का, जिसने सभी की निगाहें अपनी ओर कर ली थी, ये तमाम मामले हैं जिसको लेकर विपक्ष अपने आप को पूरी तरह से मजबूर करता है। तो तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जैसा पहले भी मैंने बताया था, और इनमें से हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश, जल्दी हमारे साथ वो जुड़ेंगे, लेकिन तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। शौकत अली प्रवक्ता हैं सपा से, अभिषेक वाजपेयी प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, प्रदीप भटनागर बीजेपी नेता हैं। आप सभी का न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में बहुत स्वागत है। शौकत अली साहब, लगातार हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे थे, साइकिल बांटी थी, सत्ता में भी आए, सत्ता में आने के बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी की, अब कांग्रेस ऐसा कर रही है, सीधी टक्कर। देखिए, समाजवादी पार्टी विकास की ओर ले जाने वाली राजनीति में थे तब भी लैपटॉप बांटे, विपक्ष में है तब भी हम लैपटॉप जी। अभी आप बात बोल रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 24 करोड़ परिवार के सरकार के मुख्यमंत्री हैं, 24 करोड़ लोग हैं जो आपकी चौखट, उन्हीं 24 करोड़ के परिवार पटक रहे हो, रोज कह रहे हैं। शौकत अली जी, आपकी आवाज कुछ कट रही है, शायद कोई नेटवर्क इशू है, मैं जल्द आपके पास लौटूंगी। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ बात अंशु अवस्थी जी से होगी, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि प्रियंका गांधी आई हैं और चुनाव में तूफानी पारी वो खेल रही हैं, मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अंशु जी, क्या कहेंगे? अंशु जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, आप, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि आप अंशु अवस्थी जी की बात करेंगे या मेरा, क्योंकि मेरा नाम ठीक है, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, अभिषेक जी, अभिषेक जी जी, मास्टर स्ट्रोक खेला है कांग्रेस ने। देखिए, आप इसे मास्टर स्ट्रोक कह सकती हैं, क्योंकि ये महिलाओं के हक की आवाज अगर उठाना मास्टर स्ट्रोक है तो बिल्कुल हमने मास्टर स्ट्रोक खेला है। अगर हमारी बेटियों को जो हाई स्कूल इंटर की होती हैं, अगर उनको मोबाइल हाईटेक उसमें मोबाइल अगर हम दे रहे हैं तो बिल्कुल आप कह सकती हैं हमने पास से खेला होगा। अगर जो महिलाएं, जो बच्चियां, हमारी बेटियां जो स्कूल कॉलेजेस नहीं जा पाती, बहुत दूर से आती हैं, गांव के दूर दराज क्षेत्रों से आती हैं शिक्षा लेने के लिए, अगर उनको हम इलेक्ट्रिक स्कूटी दे रहे हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि हमने मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। अच्छा, यूपी की सड़कें, आप तो कहते हैं कि यूपी की सड़कें अच्छी नहीं है, तो महिलाएं इलेक्ट्रिक स्कूटी कैसे चलाएंगी? पहले तो आपको सड़कें गड्ढा मुक्त करनी होंगी। देखिए, मैं आपको पूर्णतया आश्वस्त कर सकता हूँ कि जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी जी 2022 में, तो हमारे पास पहले से ही बैकअप प्लान है कि हमें सड़कों को किस हिसाब से बनवाना है, किस कैटेगरी की बनवाना है, और सबसे बड़ी चीज की जनता के बेसिक नीड्स क्या क्या है, उन नीड्स पे हम काम करने पे आमादा रहेंगे। हम पूंजीपति मित्रों की दलाली नहीं करेंगे, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। अभिषेक जी, शायद बेसिक नीड्स जो होती है ना जनता की, वो तो कांग्रेस को पहले ही पूरा कर देनी चाहिए थी। मैं मानती हूँ कि दो दशक से आप सत्ता में नहीं है, लेकिन केंद्र में तो रहे हैं। देखिए, मैं आपको बड़े विनम्र निवेदन के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे 32 सालों से हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है जी। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आप बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाकायदा स्टेट गवर्नमेंट को फंड भेजती है, और जब हमारी सरकार की फंड भेजा गया लेकिन फंड्स को वापस कर दिया गया, बिना काम किए हुए फंड्स को वापस कर दिया गया। आखिर सरकार काम क्यों नहीं करना चाहती है? जब सीएम सरकार फंड भेज रही है लोगों के लिए जी, तो स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि बेसिक नीड्स को, जनता की जो नीड्स है उनको पूरा कराए। आखिर अगर आप पूरा नहीं कराएंगे तो वो फंड वापस चला जाएगा। ठीक बात। तो क्या होगा कि जनता के साथ धोखेबाजी होगी। ठीक है,
हमें इसको देखना पड़ेगा। और तकरीबन 32 सालों से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश के विकास का पहिया थम गया है। और मौजूदा स्थिति में अगर मैं कहूं तो कोई गुरेज नहीं है, महिलाओं की इज्जत तार-तार हो चुकी है। अभिषेक जी, यानी कि आप शून्य से शुरू करना चाहते हैं? देखिए, आप इसे शून्य से कह सकती हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति की रही हो, अब उस गवर्नमेंट में जो कमियां रह गई उनको निकाल के दूर करेंगे, और वहां जहां से स्टार्टअप उन्होंने किया था उस स्टार्टअप में जो कमियां थी उनको दूर करके विकास के रथ को आगे बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, अभिषेक जी बहुत बढ़िया बात आपने कही है। प्रदीप जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी से। प्रदीप जी, कांग्रेस लगातार लेन देन की राजनीति कर रही है। प्रियंका गांधी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, स्मार्टफोन, ग्रेजुएट होने पर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है जी, थोड़ा सा ये राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि प्रदेश को कुछ दिया नहीं और ये टॉफियां दिल्ली से लेके चल दिए। इससे साफ देखिए, थोड़ा आवाज इको हो रही है, थोड़ा सा आवाज ठीक रहेगा। ठीक है, तो दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, आपने 40% की तो बात करी है, आपने महिला को जो आप 40% महिला को देंगे आप टिकट, पहले तो देखिए अभी इनकी विधायिका हैं अखिलेश सिंह जी की पुत्री, जिन्होंने कहा है कि आप 40% तो दे रही हैं आप महिला को, मगर पहले जो अपनी सीटें जा रही हैं उन्हें तो रोकिए। उन्होंने जो प्रियंका जी को आईना दिखाया अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को रोकने का, थोड़ा उस पर भी उन्हें गौर करना चाहिए। देखिए मन लुभावन जितने भी आप प्रदेश के अंदर चीजें दे लीजिए, देखिए प्रदेश, हम भारतीय जनता पार्टी वाले, मन लुभावन कुछ नहीं है, फ्री कुछ नहीं है, सुविधाएं, सुरक्षा जितनी भी चीजें हैं वो पूर्ण रूप से दी जाएगी, मगर ये जो लोभ और लालची लोग बैठे हैं, कोई बिजली फ्री, कोई साइकिल फ्री, लैपटॉप फ्री, मोबाइल फ्री, ये सब ये चीज आप कहाँ ले जाना चाहते हैं भारतवर्ष को, कहाँ प्रदेश को ले जाना चाहते हैं फ्री फ्री करके? देखिए भारतवर्ष के युवाओं को, बच्चों को इंडिपेंडेंट रहने दीजिए, ये फ्री की आदत ना डालिए। इंडिपेंडेंट कैसे रहेंगे, इंडिपेंडेंट कैसे रहेंगे जब रोजगार ही उनके पास नहीं होता, तो कैसे इंडिपेंडेंट रहेंगे खाली हाथ? देखिए इतनी महंगाई आपने कर दी है, इतनी महंगाई आपने कर दी है, अब तो कुछ नहीं मिलता। महंगाई हम देखिए, महंगाई हमने नहीं करी है, महंगाई समय ने करी है, महंगाई समय ने करी है, लेकिन समय में सत्ता पर आप हैं। बिल्कुल, सत्ता में कांग्रेस भी रही, समाजवादी पार्टी भी रही प्रदेश के अंदर सत्ता में, और आज ही पूरे भारतवर्ष के अंदर देखिए पेट्रोल डीजल उत्तर प्रदेश सबसे सस्ता है। देखिए दूसरी चीज, देखिए जैसे ये बिल्कुल सुन रहा था मैं इन चीजों के बारे में कि आप फ्री की बातें इतनी क्यों आप कर रहे हैं? अगर आपकी सीट नहीं आ रही, आप 0/0 है, तो आप लोग लैपटॉप बांटेंगे, मगर मैं तो निवेदन ये करूंगा, पहले आप अपनी पार्टी और जो ये वादे कर रहे हैं अपने जेब से बांट के देखिए प्रदेश के अंदर, तब पता लगेगा। समाजवादी पार्टी ने साइकिल, आप अपनी सैलरी से दे देते हैं, सैलरी से मदद कर देते हैं लोगों की। हाँ, हमने वादे नहीं करे। अभिषेक जी आपके पास आऊंगी, एक मिनट बस, मैं बस 30 सेकंड खत्म कर रहा हूँ, 30 सेकंड जी। आप लैपटॉप आपने बांटे किसके फंड से बांटे? अखिलेश जी के बांटे, मुलायम सिंह जी के बांटे, टिंपल जी के बांटे। आप पर्यटन विभाग, कृषि विभाग सारा खाली कर गए आप बांटने के लिए, आप एक पैसा छोड़ के कर्जे में छोड़ गए प्रदेश को। ये कैसा ये अनुदान था आपका चुनाव जीतने के लिए? आप लैपटॉप के वादे करे आपने, अरे अखिलेश जी से कहिए ना, अपनी जेब से बांटे। वादे तो बीजेपी ने भी बहुत किए थे, बीजेपी ने क्या अपनी सैलरी में से, सभी नेता ने सैलरी में से कटवाए हैं पैसे। मुझे उपाय आप बताइए, आप मुझे बताइए कोई फ्री का दिया हो, हमने लैपटॉप बांटने का कहा हो या बांटने का कहा हो, बताइए। वादे तो आपने भी बहुत किए थे ना, मैं लैपटॉप की बात नहीं कर रही हूँ। हमने हाँ बता दो, हमने जो वादे किए हमने उन बच्चों के लिए किए, जो बच्चे प्रदेश के अंदर जो ग्रेड वन पढ़ के आते उनके लिए वजीफे की वो करिए, वजीफे में उनको साइकिल मिल जाए या वजीफे में उनको स्कॉलरशिप दे। उसमें वीडियो आपको भेजूंगी, हम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लगातार धरातल पर रहता है, हम उन बच्चों के पास पहुंचे हैं जो बेरोजगार हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, वो वीडियो आपको मैं भेजूंगी, वो जरूर सुनेगा, फिर आपको पता चलेगा उत्तर प्रदेश में आपने कितना रोजगार दिया है और कितने बच्चे इंडिपेंडेंट हैं। चलिए ठीक है, प्रदीप जी आपके पास वापस लौटूंगी। अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा अभिषेक जी, और भी मेहमान हमारे साथ बने हैं। जी देखिए, परेशानी प्रदीप जी की ये है कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके अपनी पार्टी में महिलाओं का सम्मान तो है नहीं, कि अपनी पार्टी वाले सिर्फ चीर हरण करना जानते हैं, उसके अलावा कोई इनके पास समाधान नहीं है महिलाओं के लिए, क्या कर सकते हैं, इनके पास कोई रूपरेखा नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज मैं इनको अवगत करा दूं
कि शायद ये चुनाव की बात कर रहे हैं, भूल गए कि इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा समय के गृह मंत्री, उन्होंने कहा था कि लोगों को 15-15 लाख रुपए, भाइयों बहनों 15-15 लाख रुपए भिजवाएंगे, वो क्या भिजवा दिया इन्होंने। तो देखिए काम वो कीजिए जो आप कर सकते हैं। जैसे उज्ज्वला योजना आई थी, बहुत अच्छी योजना थी, बहुत स्वीकार किया उन्होंने महिलाओं ने उनका, लेकिन अब क्या हो रहा है, सिलेंडर खाली पड़े हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं वही बात बोल रहा हूँ, देखिए आप भी एक महिला है जी, प्रदेश में सिलेंडर तो बांटे हमने, आपके घर वालों ने सपोर्ट ना, आज लोगों के घर में सिलेंडर तो है, ये लोगों के पहले अकाउंट नहीं खुलते इनके टाइम में, सिलेंडर तो बहुत दूर की बात है। ठीक है ठीक है, वो हर माँ बेटियों को सपोर्ट करे ताकि वो अग्रसर हो सके। ठीक है ठीक है, क्या वैभव जी भी हमारे साथ बन गए हैं? वैभव जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? वैभव जी बोले। वैभव जी, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में पुरजोर कोशिश पैर पसारने की, क्या लगता है? देखिए सबसे पहले अभी प्रदीप जी हमारे बैक टीम से कहना चाहते प्रदीप जी काफी बातें भी बोल रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो याद उनको रखने चाहिए, तो जनता इसमें सवाल पूछेगी कि 25% जो देने का वादा था उसका क्या हुआ, 25% का दाम जो है 100 रुपए का, तो जो भारत। वैभव जी आपकी आवाज नहीं ठीक तरीके से आ पा रही है, शायद आपको एक लीटर के पीछे भारत के और नेपाल के मूल्य में 35 रुपए का डिफरेंस है। आप ये बताइए कि जो पार्टी नेपाल और डीजल के दाम पर अपने कपड़े उतार कर, वैभव जी आपके पास वापस लौटेंगे, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। शौकत जी, शिवपाल यादव कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव उनके साथ बने रहते तो आज समाजवादी पार्टी देश की नंबर वन पार्टी होती, अगर नंबर वन नहीं होती तो नंबर टू होती, तो हम उम्मीद करें कि साथ साथ दिखेंगे दोनों। देखिए आज पूरी उत्तर समाजवादी पार्टी पे भरोसा कर रहा हूं, बार भी जब हम लोग सत्ता में नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता एक बार भरोसा, उत्तर प्रदेश की जनता फिर सरकार बनाने जा रही है, जनता इस बात को जानती है कि ये काम किया होता तो मुझे लगता है बताते कि हमने ये काम, राहत मिलेगी। मैं दोहराती रही अपने काम सरजमी काम नहला दिया संपूर्ण महाराजा, जब रोजगार की बात उत्तर प्रदेश की राजधानी में आपके रोजगार मांगे। ठीक है ठीक है प्रदीप जी, एक बात सामने आई है बेबी रानी मौर्य को लेकर, वो कहती हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मौर्य होते हैं वो ओबीसी लिखते हैं, लेकिन अब चुनाव है इसलिए मैं अपने नाम के आगे जाटव लिख रही हूं, ऐसे बहुत सारे पोस्टर सुनके तेजी के साथ सामने आए हैं। आप बताइए कि राजनीति शुरू होते ही ये जाति गणना क्यों शुरू हो जाती है, जातिवाद की राजनीति क्यों हो जाती है? वैसे दलितों से प्रेम नहीं, लेकिन जब राजनीति है तो दलित भी अपना मुसलमान भी अपना, क्यों? किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का वक्तव्य बता दीजिए जिसने जाति में बोला हो या जातिगत राजनीति करी हो। पहली चीज ना हम लोगों को सिखाई जाती, ना हम ये लोग करते हैं, हमारे कई प्रदेशों के अंदर चुनाव है। तो फिर बेबी रानी मौर्य क्यों लिख रही है अपने नाम के आगे जाटव?
इस बात का जवाब मुझे दे दीजिए। देखिए हाँ देखिए देखिए बिल्कुल बिल्कुल वो लिख रही है, अगर जाता उनका टाइटल है तो लिख सकती है, कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो आप उनकी शुभेच्छा है, वो कुछ भी अपने नाम के पीछे लिखे। देखिए वो तो वो का जवाब वही दे सकती है। अगर मैं सरनेम के विषय अगर आप कुमार या अपने गांव का नाम लगा लो, उसमें कोई नई चीज नहीं है, कोई शुभेच्छा है अपनी। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में जातिगत राजनीति नहीं चलती है, उनके लिए और पार्टी को छोड़ रखा है, प्रदेश को पूरा जातियों में बांट रखा है, पूर्ण रूप से बांट रखा है कुछ पार्टियों ने, और उनपे ही वो राजनीति करते हैं। आप देखिए सुहेलदेव जी की बात कर रहे थे आप पार्टी की, देखिए मैं बता दूं उसमें अगर सुहेलदेव अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ समन्वय था, अगर वो क्यों टूटा, क्योंकि जो राजनीति में वो शुभेच्छा चाह रहे थे, जो बेनिफिट चाह रहे थे, नहीं हो सकती जी। ये भाजपा है और भाजपा अपने शर्तों और अपने नियमों पे काम करती है, वो किसी पे काम नहीं करती है। नहीं तो हमारे साथ तो देखा सपा बसपा ने भी हमारे साथ सरकार बनाई और भी रहे हमारे अलायंस में, मगर ऐसा नहीं चलता। भाजपा के अपने सिद्धांत है, अपने सिद्धांतों की राजनीति है, और सिद्धांतों पर राजनीति करना हमें सिखाया गया है। और जाति का जो राजनीति करते हैं उनका हाल देख लीजिए कि सब इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर 0/0 है। देखिए ये तो ओवर कॉन्फिडेंस है, अपनी चीज ये तो ओवर कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल होना चाहिए अगर प्रदेश के अंदर काम किया तो होना चाहिए। कॉन्फिडेंस अच्छा है ना, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस जब आता है तो आंधे में भी व्यक्ति गिर जाता है। देखिए नहीं नहीं मैं तो बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ, आप पिछली बार जब चुनाव लोकसभा के हुए सॉरी विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर, तभी प्रियंका जी थी और प्रियंका जी से पहले रितु बगुणा जोशी जी थी। ऐसा क्या प्रियंका जी जादू कर रहा है जो उस समय में कि ये जो राजनीति है, ये जो चुनाव में वो लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, वो सीधे 2022 के लिए 2019 से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो तो साफ कह चुकी थी। सबसे पहले प्रियंका जी को अपनी विधायिका का जो उन्होंने ऑब्जेक्शन भरा उसका जवाब देना चाहिए प्रश्न का, कि आप पहले जो पार्टी आपकी परसेंटेज पे कम होती जा रही है, भाग रही है, उसको कैसे रोकेंगे? तो वो उनकी परेशानी है, वो उनकी परेशानी है ना, करने दीजिए वो जो कर रहे हैं। यहाँ नहीं मैं आ रहा हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज संविधान में तो लिखा है ना जो आप कह रहे हैं, लोकतांत्रिक देश है। चलिए मैं आप एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा, जिस समय प्रियंका जी ने घोषणा करी थी 40% महिलाओं को आरक्षण की, बता देता हूँ जितने भी नेतागण थे सबकी धर्म पत्नियों को लेके आए हुए थे इन चीजों को लेके, और ये 40% में जिनके पूर्व विधायक प्रधान सब उनको टिकट बटेगी, आम जनता को नहीं मिलेगी। और आप भी और हम भी यही है और चीज को देखेंगे। ठीक है वो तो उन्होंने साफ कह दिया, वो तो प्रियंका साफ कह रही थी कि अगर इसमें परिवारवाद भी है तो कोई परेशानी नहीं है, उन्हें महिलाओं को सशक्त करना है। वो अगर नेताओं की दल पत्नियां हैं तो उससे क्या मतलब? गांधी परिवार ने उत्तर प्रदेश को सदैव लूटने का काम किया है। एक मिनट अभिषेक जी, एक मिनट बस। हाँ हाँ, गांधी परिवार ने हमेशा उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया है, यादव परिवार ने भी पूरा उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया है, और प्रदेश के विकास के बारे में अगर कदम बताते, अगर कुछ करते, आज जो समस्याएं रोजगार की आ रही है पूर्ण रूप से होती। आज जो चीनी मिलें प्रदेश के अंदर चालू की गई हैं वो रोजगार के लिए की है। आज 4-5 लाख बच्चों को जो रोजगार मिल रहा है और आगे जो रोजगार की योजनाएं चल रही है वो प्रदेश की जनता और प्रदेश के युवाओं के लिए चल रही है। मैंने आपसे पहले बोला, मैं अभी बोल रही हूं, लैपटॉप से आपको मैं वीडियो क्लिप भेज दूंगी, आप देखिएगा, और वो नौजवान बताएंगे कि रोजगार कितना मिला है। फिर आप ये मत बोलिएगा कि ये तो कांग्रेस के भेजे हुए छात्र हैं, ये तो सपा के भेजे हुए छात्र हैं। कैमरा साफ बोलता है, टीवी क्लियर दिखाता है आपकी शक्ल कैसी है और आपकी शक्ल पे रौनक कितनी है। बिल्कुल, हम तो पूछना चाहेंगे कांग्रेस से भी जो 25 अच्छा बीजेपी के नेता शक्ल देखकर पहचान लेते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। वाह क्या बात कही है आपने प्रदीप जी, फिर तो साफ हो गया होगा कि 2022 में कौन किसको वोट देकर आया है, फिर तो आप एक्से कर लेंगे। देखिए 2022 की चुनाव की बात करें, हम तो पूरी पूर्ण रूप से तैयार और प्रदेश के अंदर अपने विकास को लेकर जाएंगे। ठीक है अभिषेक जी ज्यादा समय के लिए हमारे साथ नहीं है, उनसे मैं सवाल ले लूं, आप हमारे साथ बने रहेंगे घंटा, लेकिन वो सिर्फ आधे घंटे के लिए हमारे साथ बने हुए। अभिषेक जी बोलिए। मैं एक मुझे नहीं पता है कि प्रदीप जी कौन से क्षेत्र से आते हैं और कौन सी नेतागिरी करते हैं, लेकिन उनके बातों को सुनकर के बड़ी हंसी लग रही है। मैं एक बड़े सम्मान पूर्वक उनसे कहना चाहता हूं कि जिस घोटाले की बात कर रहे थे, मैं इनको याद दिला दूं कि जैसा घोटाला हुआ था वो भी इनको बताना चाहिए था। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, उन्होंने कौन सा घोटाला किया था वो भी बताना चाहिए था इनको। बताने के लिए बहुत कुछ है, और जैसा कि अभी हमारे यहाँ की माननीय विधायिका के बारे में बात कर रहे थे कि उनको संभालना चाहिए था, अरे वो तो जब उनके पिताजी थे तब तक वो कांग्रेस के अलावा कहीं नहीं गए थे, और अगर उन्होंने आज पाला बदल लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता महिलाओं के सम्मान पे, क्योंकि
कि हम तो आपको चुनौती दे रहे हैं, ऑन एयर आपको चुनौती दे रहा हूं, अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप कह करके दिखाइए हम 40% दे रहे हैं, आप 45% दे करके दिखाइए टिकट की भागीदारी महिलाओं की, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, आप करके बताइए। नंबर दूसरी बात, नंबर तीसरी चीज, आपको शायद पता नहीं है कि जनता कितना नाराज है आपके अंदर, जैसा भी आप ओवर कॉन्फिडेंस बता दें कि हमने काम किया, आपसे ज्यादा नाराज नहीं है, आपसे ज्यादा नाराज नहीं है, हमसे इतनी नाराज है कि दशकों तक आपको ताले नहीं दिया सत्ता में, हमसे नाराज इतनी है कि हम 32 सालों से सत्ता में नहीं है, वही मैं कह रही हूँ। इन्होंने बात कही, मैं एक आखिरी अपना कमेंट देना चाहता हूँ, समय कम है जी, मैं एक आखिरी बात इनको ये बोलना चाहता हूँ कि जो ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे कि हमने काम किया इसकी ओवर कॉन्फिडेंस है, तो मैं इनको ये बात जानकारी दे दूं, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस की बात होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी अगर होता, अरे साहब आपसे तो कोई अलायंस करने को तैयार ही नहीं हो रहा प्रदेश के अंदर, आपके तो गति भी खराब है, लोगों को पकड़ पकड़ के ना खींच रहे होते पुलिस वाले और डीएम ना बोल रहे होते पत्रकारों पत्रकार भाई बहनों को कि अपने कैमरे बंद कर दीजिए, चुनाव की काउंटिंग होने वाली है, तो इसलिए आपको अपने वक्तव्य पे सोचना चाहिए। आप किस पार्टी के साथ जोड़ के चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, कि आप अभी भी जनता के दर्द को समझिए और जनता के दर्द को कम कीजिए, मरहम लगाइए, प्रियंका गांधी लगा रही थी मरहम लगाइए, मैं आपके साथ जुड़ा इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। चलिए ठीक है अभिषेक जी, ठीक है, मरहम बहुत लगाया प्रियंका गांधी ने, लेकिन ये मरहम कितना काम आएगा 2022 में ये तो देखना होगा। फिलहाल हमारे साथ प्रदीप जी बने हुए हैं। प्रदीप जी, जो बातें अभी यहाँ कांग्रेस प्रवक्ता कहकर गए हैं कि मरहम जो लगाने का काम है वो कांग्रेस लगातार कर रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत दुख बीजेपी ने दिए हैं। देखिए एक बात ये बताइए कि महिलाओं की सुरक्षा की बात कांग्रेस भी कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा की बात कांग्रेस के अलावा बीजेपी भी करती है, सपा भी करती है, लेकिन एक सवाल मेरा है क्योंकि एक महिला हूँ, आप मुझे ये बताइए कि आप स्कूटी दे रहे हैं, फोन दे रहे हैं, आप महिलाओं के लिए एंटी रोमिंग स्क्वाड बना रहे हैं, तमाम जगह पर आपने डायल 112 कर दिया है, लेकिन ये बताइए कि महिलाएं क्या वाकई सुरक्षित हैं? और ये महिलाओं की बात है तो आप बखान मत करिएगा। सुरक्षित तो कोई बोले भारतवर्ष में भी नहीं है, चाहे वो महिला हो या फिर वो आदमी हो, चाहे बच्चे हो, सुरक्षित तो कोई भी नहीं है। क्यों? आज जो आतंक बताता हूँ, जो अराजकता चल रही है प्रदेश के अंदर राजनीति को लेके और राजनीतिकरण को लेके, उसको भी समझना पड़ेगा। आपसे तो बहुत उम्मीद है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, अराजकता में आधा देश जो है ना जेल चला जाएगा, ये ठीक करने में नापसंद हो रहा है। आधा देश जो है भारत में आधी जनता अराजकता को बढ़ावा देती है। बिल्कुल अराजकता बताता रहा हूँ, ये राजनीति की जो नहीं तो वो बोल किनको आप बोल रहे हैं, सीधा बताइए ना किनको आप बोल रहे हैं, किनको टारगेट कर रहे हैं, किनको अराजक बता रहे हैं आप? जो लोग कहते हैं ये मोदी जी की वैक्सीन है लगवाना मत, ये उन्हें समझाना पड़ेगा। अच्छा तो आप सपा ये लो, वो लोग हैं जी, बिल्कुल ये उनको समझाना पड़ेगा जो वैक्सीन पे कहते हैं। देश हो जाती है क्या? आज आप बताइए, आज जो है 100 करोड़ लोग जो है आज वैक्सीन लगवा चुके हैं पूरे प्रदेश भारतवर्ष के अंदर। आप बताइए पूरे आज तक किसी ने भी अभी तक ट्वीट करा, किसी ने आज सुबह से शाम हो गई किसी ने ट्वीट करा अभी तक कि भाई शुभकामनाएं बधाई हो हमारे भारतवर्ष के अंदर? की जरूरत क्या है, जनता खुश है, जिन्हों देखिए जनता मान रही है। बिल्कुल बिल्कुल जनता तो खुश है, तो राजनीति बिल्कुल जनता खुश है। ये देखिए लोगों ने भ्रम फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, ट्रेंड करवा दें, जो भारत का प्रदेश का नेतृत्व करना चाहते हैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा दें, वैसे ट्रेंड कर ही रहा है। देखिए वो मीडिया कर रही है, मीडिया का काम है सुबह से कर रही है सब। देखिए आईएपी शीट मीडिया और मीडिया ने सुबह से ही 100 करोड़ जो आज वैक्सीन हुई है उसमें बहुत बड़ा अच्छा हुआ है, वो प्रचार प्रसार में भी। मैं तो भारतवर्ष में वैक्सीन को लेके बात कर रहा हूँ, मैं वही कह रही हूँ कोरोना में जिन लोगों ने वो तो हम दिखाएंगे ना, ये अच्छी बात है, इतनी बड़ी उपलब्धि भारत के नाम है जी। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो शुभकामनाएं बधाई देता हूँ पूरे भारतवर्ष को भी और मीडिया को भी, जो जागरूक मीडिया ने ये काम करके दिखाया। ठीक है ठीक है, शौकत अली जी अराजक है आप ऐसा कह रहे हैं, प्रदीप जी सीधे बोला है, भारतीय जनता पार्टी के तो अनगरत बात का जो मुंह में आता है बोलना कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के, आज तो सुन नहीं पा रहा था कि मैं उनको उसी वक्त जवाब दे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से
सरकार थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुखिया कौन हैं और कर्नाटक के अगुवाई के मुख्यमंत्री, इतना बता कीजिए तारीख में सुरक्षित हैं मिल रहा है तो मुझे वो कौन सी बहने थी जी मैं आके आप मजाक कर रही थी इसे सनातन धर्म काम कर रही थी और राजधानी में आपकी मजाक कर लिया। अब जब हम लगाया उत्तर प्रदेश की सरकार हरा हरा दिख रहा है पीड़ा नहीं दिख रही जो और फिर भी आप कहते हैं कि उत्तर महिलाएं सुरक्षित है झूठ की आपने अड्डे पार कर दम तोड़ दे महाराज उत्तर प्रदेश की आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। हम दोबारा से मेहमानों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति शुरू हो गई है उसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार आम आदमी पार्टी पैर पसार रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार लेन देन की राजनीति कर रही है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो योगी सरकार कहती है कि हमने विकास किया है और विकास की गति जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है उसी पर हम राजनीति करते हैं। हम और सिर्फ जनता के बारे में सोचते हैं, जनता के विस्तार के बारे में हम लगातार सोचते हैं। तो कुछ टेक्निकल खराबी है जिसकी वजह से हमें इस चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। तमाम मेहमान जो मेरे साथ जुड़े उन सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति हो रही है ये जरूर कहा जा सकता है कि पुरजोर कोशिश की जा रही है पूरे दमखम के साथ। चुनावी मैदान में सभी पार्टियां उतरती हुई नजर आ रही हैं। तमाम प्रलोभन जनता को देने के लिए लगातार पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। लेकिन फतह किसकी होगी ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।